क्या करूं? वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान. हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मूवी वाला. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. शुक्र है टायर पंचर नहीं हुआ. गुड मॉर्निंग. गाड़ी का टायर पंचर हुआ था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा? मैं सिनेमा से आ रहा हूँ डायरेक्ट. मेरी ग्लासेस नहीं देख रहे आप? थ्री डी ग्लासेस. अच्छा, ये 3D ग्लासेस है तो जरा सीन चेक कराओ ना. ये ले. ओए होए, यानी 3D ग्लासेस का मतलब होता है कि अगर आप ये लगा लें तो ये सामने तीन फैसल बैठे हुए हैं. एक दो और तीन. तीन फैसल नजर आ रहे हैं. अच्छा, 3D ग्लासेस का क्या सीन है और इस पे कौन सी फिल्म देखी तुमने? सीन ये है कि सिनेमा जब से ओपन हुआ है ना, तो बहुत सारी फिल्में जो हैं वो तैयार थी सिनेमा में आने के लिए. लेकिन मैंने जैसे लास्ट अपने सेगमेंट में बताया था कि सिनेमा ऑनर्स और फिल्म मेकर्स वो ये सोच रहे थे कि हम कौन सी फिल्म लगाएं. और ऊपर से हमने देखा कि छुट्टियां भी थी सर्दियों की, क्रिसमस भी था और न्यू ईयर भी था, तो ऐसे में मार्वल की मूवी ना हो ये कैसे हो सकता है. हाँ जी. और हमने देखा तो सिख भाई कि पिछले 2.5 साल में जब एंड गेम रिलीज हुई थी तो उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि अच्छा एंड गेम आ गई, अब क्या होगा. और तो सब खत्म हो गए. बिल्कुल लगता था बस एंड कर दिया. एग्जैक्टली. इतना कंप्लीट एक्सपीरियंस था कि उसके बाद कुछ और बनाना पता नहीं वो क्या ज़हन होते हैं, क्या ब्रेन्स होते हैं. ये बिल्कुल यही सवाल हम सब के दिमागों में चल रहा था कि जी अब क्या होगा. अब तो एवेंजर्स तो मर गए हैं, एक एक करके सारे पीछे. हाँ. क्या बचा है? अब कैसे इतनी बड़ी फिल्म कैसे आएगी, कैसे लोगों को सिनेमा में लेके आएगी जो इससे भी ऊपर जाए. एग्जैक्टली. क्योंकि उन्होंने बार इतना हाई सेट कर दिया था. और वो कौन सी फिल्म आई? वो आई स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन जो इस वक्त सिनेमाज में है. और क्या एक्सपीरियंस है, क्या 3D एक्सपीरियंस है. तो सीख भाई मैं आपको बता नहीं सकता. एक तो सिनेमा इतने अरसे के बाद जानो खुद एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है. उसके क्योंकि कोविड टाइम का जो आई थिंक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का गैप था वो सब. अच्छा, वो लोग भी हमने देखे हैं सिनेमा की तरफ जाते हुए जो शायद नॉर्मली इस चीज़ को प्रेफर ही नहीं करते कि उनको सिनेमा में जो है जाकर फिल्म देखने, क्योंकि कोविड टाइम्स में घर की हद तक महदूद होकर सब जो है वो सिनेमा की तरफ भाग रहे हैं. अच्छा फैसल, ये बताइए कि सिनेमा का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपीरियंस है, क्या उसमें कोविड SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? और आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि साथ ही हम देख रहे हैं कि नया वेरिएंट भी आ चुका है और पाकिस्तान के कुछ शहरों में उसके केसेस भी सामने आए हैं. तो बिल्कुल हमने सिनेमा इंडस्ट्री को उठाना है लेकिन कोविड SOPs के साथ. ट्रू. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल किया. मैं इस तरफ आने ही वाला था कि जब मैं अपने देखने वालों को कहता हूँ कि आप ज़रूर सिनेमा जाएं, उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि कोशिश करें वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वही सिनेमा जा सकते हैं. कोशिश नहीं करें, एक्चुअली लगवाएं. एब्सोल्युटली लगवाएं. अच्छा, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप सिनेमा नहीं जा सकते. और मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपने साथ सर्टिफिकेट जरूर रखें, क्योंकि सिनेमा ऑनर्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. और वो दे आर मेकिंग श्योर कि आप सब लोग वैक्सीनेटेड हों और तब आप सिनेमा घर के अंदर दाखिल हो सके. अच्छा जी, स्पाइडरमैन को जल्दी से कंक्लूड करते हैं. जल्दी से मैं नहीं करना चाहता, इस पे मैं पूरी बात करना चाहता हूँ. इसलिए कि ये वो मूवी है जिसका इंतजार पूरे पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर जितने इसके फैंस हैं सबका इंतजार था. अच्छा तौसीफ भाई, इस फिल्म की मजेदार मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ, आप ये फिल्म जाके क्यों देखें. जी बिल्कुल. ठीक है, इसमें सरप्राइजेस ऐसे हैं, ऐसे सरप्राइजेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. आपकी सोच से बालातर स्पॉइलर ना करना. स्पॉइलर नहीं, स्टोरी ना बताना. नहीं बता रहा स्टोरी देखें, मैं आपको बताना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जाके फिल्म देखें. अच्छा, और ऐसे सरप्राइज हैं कि आप यकीन ही नहीं करते कि यार ऐसा भी हो सकता है इस फिल्म में. और दूसरी बात जो VFX है इसके अंदर, ओए होए होए, मैं कहता हूँ आई वॉज टू डाई फॉर के ऐसे VFX मैंने बहुत टाइम मतलब देखे ही नहीं थे ऐसे VFX. यानी ये वाली जो 3D ग्लासेस होती हैं, ये आपको जब आप सिनेमा में टिकट लेते हैं तो ये ग्लासेस आपको साथ दी जाती हैं. आप ये ग्लासेस लगाते हैं तो उसके बाद आप जब फिल्म देखते हैं तो वो उसको एक तरह से 3D 4D इफेक्ट आता है. आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप स्क्रीन पे कुछ नहीं देख रहे लेकिन वो सब कैरेक्टर्स के अंदर आप शामिल हैं, which is really great. Exactly. आप इतने इन्वॉल्व हैं फिल्म के अंदर, आपको पता ही नहीं चलता. अच्छा, तीसरी जो खास बात है फिल्म देखने की, वो ये है कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन की बेस्ट परफॉर्मेंस अच्छा आज तक की मुझे लगता. और चौथी फिल्म ये है कि आपको जब फिल्म देखने जाएंगे आप तो आपको जब से स्पाइडरमैन की ये सारी सीरीज शुरू हुई है तो आपको नॉस्टैल्जिया होगा. कुछ ऐसी चीजें रिवील की गई हैं कि आपको तालियां सुनने को मिलेंगी, सीढ़ियां सुनने को मिलेंगी. यानी वो पूरा क्राउड जो कि स्पाइडरमैन की पूरी इस कहानी को फॉलो करता चला आ रहा है. हाँ. वो उन चीजों को एंजॉय करेगा. हाँ, एक छोटा सा स्पॉइलर दे दूं. छोटा सा बिल्कुल. अगर आप स्पाइडरमैन के किसी भी पार्ट के फैन हैं, मिसाल के तौर पे मैं स्पाइडरमैन 1 जो था पहला टॉबी मैग्वायर, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था लेकिन वो चला गया. फिर दूसरा आया, फिर अब ये तीसरा टॉम हॉलैंड. तो यकीन करें
आपके पैसे वसूल होने वाले हैं, सारे पैसे पूरे होने वाले हैं, आपको तीनों देखने को मिलेंगे। पैसे तीनों स्पाइडरमैन आ रहे हैं, तीनों स्पाइडरमैन आपको देखने मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पॉइलर था, स्पॉइलर था ना, लेकिन क्या करें, लोगों को सिनेमा भेजना भी तो है। लेकिन आपस की बात है कि वैसे नॉट के मैं पहले और दो का बहुत बड़ा फैन उस तरह से, लेकिन वाकई में जो लोग कहते हैं ना कि टॉम हॉलैंड, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आता है कि बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि नहीं, वो स्पाइडरमैन स्टफ नहीं है। हाँ, यस। मैं वैसे इस बात से एग्री करता हूं। मैं भी एग्री करता हूं। मेरा ख्याल में स्पाइडरमैन स्टफ नहीं है, लेकिन हम स्पॉइलर नहीं करते, आप जाके जरूर फिल्म देखें। दूसरी कौन सी फिल्म है जिस पे आज हमने बात करनी है? आखिरी सरप्राइज तो बता दूं, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए मैं तो जरूर जाके देखूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे मार्वल के फेवरेट कैरेक्टर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज है। और बस मैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी प्रॉपर नई फिल्म आ रही है मई 2022 में, उसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम्स में हम फैसल के साथ बात करेंगे। अच्छा जी, जेम्स बॉन्ड तो सिख भाई, जेम्स बॉन्ड तो बच्चों से लेके बड़े, हर बूढ़ा जवान, औरतें खवातीन सब उसके फैन हैं। 25 तकरीबन ये मूवीज आ चुकी हैं जो कि जेम्स बॉन्ड में बनी हैं। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसके जो हीरो है जेम्स बॉन्ड, जिनका नाम है डैनियल क्रेग, वो उनकी ये आखिरी फिल्म थी, ये उनकी गुड बाय फिल्म थी, उनको फेयरवेल दिया जा रहा था। तो इसलिए इस फिल्म का जो वो कहते हैं ना स्केल, वैसे ही बड़ा हो जाता है जब आप ये सुनते हैं कि यार इस जिसने हमें इतनी अच्छी अच्छी मूवीज दी। 2006 में डैनियल क्रेग की पहली फिल्म आई थी, और फिर उसके बाद हमने देखा 2008 में, फिर 2012 में 2015 में 2012 में 2015 में, और अब 2021-22 में। तो ये जितनी फिल्में थी, स्काईफॉल थी उसमें बहुत अच्छी इनकी, स्काईफॉल अगर आप जेम्स बॉन्ड मूवीज के फैन हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद क्वांटम ऑफ सोलेस इनकी दूसरी बहुत बड़ी फिल्म थी, फिर स्पेक्ट्रा है इनकी बहुत बड़ी फिल्म, और अभी ये आखिरी जो फिल्म आई है ऑफ कोर्स, इसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है। अच्छा, फिल्म के अंदर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फिल्म देखने जाए ना, तो मेरा आपको मशवरा, ज़ाती मशवरा ये है, अगर आप भी जाती हैं तो कभी भी गूगल ना करें फिल्म के बारे में पहले से, कभी भी उसके बारे में ना जाने कि इसके अच्छा है, IMDB पे कितने लोगों ने इसको पसंद किया है, रिव्यूज ना देखें, हाँ रिव्यूज मत देखें, उसके आर्टिकल्स मत पढ़ें, क्योंकि खुद जाके एक्सपीरियंस करें। अच्छा जी, नो टाइम टू डाई जेम्स बॉन्ड ये वाहिद वो फिल्म है, क्योंकि मैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज का अब कोई फैन नहीं हूँ। मैं एक्शन फिल्में कम देखता हूँ, और इट्स काइंड ऑफ अ हैंगआउट फिल्म, एक्शन हो लगी हुई दोस्तों के साथ तो देख ली, अदरवाइज मैं स्पेशली एहतमाम करके एक्शन फिल्म नहीं देखने चाहता। तो लेकिन ये वो फिल्म थी जिसके लिए मुझे जाना पड़ा, उसकी वजह मैंने आपको एक तो ये बता दी कि ये जेम्स बॉन्ड जो कि डैनियल क्रेग है उनकी आखिरी फिल्म थी, और दूसरी इसकी मेन बड़ी वजह ये थी कि इसमें जो विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो थे रामी मलिक, जो कि ऑस्कर यस, तो मुझे मजबूर किया रामी मलिक ने कि मैं आके ये फिल्म जरूर देखी। और तीसरी जब मैं सिनेमा पहुंचा तो मैं मतलब आई वॉज सरप्राइज कि इसकी कहानी इतनी जमी हुई कहानी थी, आई वॉज सो हुक्ड। इसके अंदर एक्शन तो था ही, मुझे पहले ही 15 मिनट के अंदर फिल्म ने बिठा दिया। इतना जबरदस्त लार्जर देन लाइफ एक्शन था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा शुरू में ही एक्शन होगा। इसके कार चेसेस के एक्शन इतने मज़ेदार हैं, इतने आपको कनेक्ट करते हैं, आपको यूँ नहीं लगता कि अच्छा यार ये क्या, ये तो तुक्के मार रहे हैं, मतलब बेतुक्के एक्शन हो रहे हैं। इसके मोटरसाइकिल चेसिंग के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो बहुत बेहतरीन है। एक होते हैं एक्शन सीक्वेंसेस तो सिख भाई होते हैं, आपको लगता है आप सिर्फ देखते हैं और वो बड़े फॉरगेटफुल से होते हैं, ये वो हैं जो आपको याद रह जाते हैं एक्शन सीक्वेंसेस। और उसकी वजह ये है कि ये आई प्लीजिंग एक्शन सीक्वेंस है। आई प्लीजिंग आपने कभी वर्ड नहीं सुना होगा कि कोई एक्शन सीक्वेंस आई प्लीजिंग भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, वायलेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वायलेंस इतना ज्यादा नहीं है। तो सीख भाई, आपको 543 बंदे मरदे ने करीब मरदे ने 5 मिनट दे बीच नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत मैंने आपको बताया, रियलिटी से बहुत करीब ये फिल्म बनाई गई। मैं इसको कहूंगा ये जेम्स बॉन्ड की जो कल्ट होती है ना मूवीज, exactly. जिनको एक स्टेटस मिल जाता है कल्ट मूवीज का या क्लासिक मूवीज का, ये वो फिल्म है। और डैनियल क्रेग के ने इतनी मजेदार किस्म का काम किया है, रामी मलिक ने इतना अच्छा काम किया है कि मेरा मुझे पता ही नहीं चला कि कब। और इस फिल्म की एक और मैं आपको बात बताऊं, ये फिल्म जो है ना लेंथी तरीन फिल्म है, ये 2 घंटे और 46 मिनट्स की फिल्म है, तकरीबन पौने तीन घंटे की फिल्म है। और यकीन करें तो सिख भाई, मुझे पता ही नहीं चला कब ये वक्त गुजर गया। नहीं भी, मैं तो अगेन मैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन रामी मलिक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मलिक साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मलिक साहब आपके लिए मैं फिल्म देखने आऊंगा एब्सोल्युटली। अब हमें क्योंकि टाइम भी कम है सेगमेंट का, फैसल हमें जल्दी जल्दी बढ़ना है। जो दो पाकिस्तान की 2022 की बड़ी फिल्में एंटिसिपेटेड हैं उनके बारे में कुछ हमें बताइए, और ये दो फिल्में जो हैं
जेम्स बॉन्ड के स्पाइडरमैन, ये हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन कोविड एसओपीज के साथ आपने सिनेमा हॉल में जाना है और फिल्म देखनी है। अब आते हैं पाकिस्तानी सिनेमा की तरफ। पाकिस्तानी सिनेमा की तरफ आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी सिनेमा में हमने लास्ट अपने शो में भी बताया था, कोई लगभग 60 के करीब फिल्में जो हैं वो तैयार हैं। और बिल्कुल बहुत जरूरत है, और ये सिर्फ वाओ ही नहीं करना, जब पाकिस्तानी फिल्म रिलीज होनी है तो जाके आपने देखनी भी जरूर है, तभी हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी सिनेमा इंडस्ट्री को। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करेंगे हम कि कौन सी फिल्म आ रही है जिसपे हमने आज बात करनी। एक है इशरत इन चाइना, इसमें कौन कौन हमें देखने को मिलेगा? इसमें आपको मोहिब मिर्जा तो आपको नजर आए होंगे, वो इसके हीरो। आई एम अ बिग फैन मोहिब मिर्जा, मुझे तो उसका काम बड़ा ही पसंद है। अच्छा, ये देखिए छोटी सी मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, 2006 में इन्होंने वो इनका वो जो था इनका कैरेक्टर इशरत उसी को ये लेके चले। एग्जैक्टली। और इन्होंने ये कमबैक किया है, और मेरा ख्याल है कि मौला जट के बाद ये दूसरी फिल्म है जो कि बहुत एंटिसिपेटेड है। और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करूंगा, वैसे तो पाकिस्तान की सारी फिल्में मैंने देखनी है, लेकिन ये दो फिल्में जो हैं जिनको हम सबसे ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये वो फिल्म है। अच्छा, इसमें हमें शबीर जान देखने को मिलेंगे, इसमें शमूद अब्बासी देखने को मिलेंगे, सनम सईद हमें देखने को मिलेंगी, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जिन्होंने माशाल्लाह झंडे गाड़े कामयाबी के, लेकिन अब फिल्मों में भी हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले भी ये फिल्म कर चुके हैं, बचाना उसका नाम था, दोनों उसमें थे, लेकिन ये जो फिल्म है ना जो चाइना में जाके बनी है, इसकी सिनेमेटोग्राफी आपने देखी, आर्ट डायरेक्शन देखी, कैमरा एंगल्स देखे, बड़े आर्टिस्टिक एक्शन सीक्वेंस थे, और कंग फू के जितने फैन है वो सब तैयार हो जाए, क्योंकि आपको यस कंग फू के सब फैन मार्शल आर्ट से तैयार हो जाए, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला, क्योंकि इस तरह का एक्शन आपको शायद पहले ना मिला हो। आज के सेशन की आखिरी फिल्म, आज के सेशन की आखिरी फिल्म है, उसका नाम है पीछे तो देखो। पीछे तो देखो कोई भी नहीं है, पीछे बड़ा खूबसूरत सेट है, गुलाबी रंग के फूल हैं मेरे पीछे, कहते हैं कि इंसान पीछे तो देखो आगे बढ़ते रहना चाहिए लेकिन पीछे भी नजर रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। और पीछे तो देखो ये पहले पाकिस्तान के अंदर इतना फेमस पेट जुमला बन चुका है, और हॉरर भी है, कॉमेडी भी है। यासिर हुसैन से जब मैं बात कर रहा था इस फिल्म के बारे में, उन्होंने बताया कि ये फिल्म जो है फरवरी में रिलीज़ होगी, इसकी डेट जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी अनाउंस करेंगे, लेकिन फेब में रिलीज़ होनी है। और दूसरी बात यह है कि एक पैसा वसूल फिल्म जिसको कहते हैं ना अवामी फिल्म। अच्छा। एक पाकिस्तान वो होता है ना, तो सीख भाई एक अवामी फिल्म भी चाहिए होती है जिसको जो है सब लोग इन्जॉय कर सकें आगे, और वो अपने कुछ लोग पता क्या कहते हैं तो सीख भाई इतनी मुश्किल इतनी दिमाग ही दई फिल्में बनाते हैं कि बंदा एंटरटेनमेंट की बजाय और परेशान होकर डिप्रेस होकर सिनेमा से वापस आता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि ये समझते हैं कि अच्छा जी जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। और आई थिंक कोविड टाइम्स में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो एंटरटेनमेंट है अगर वो कॉमिक उसमें आ जाए तो फिर तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, जरा मूड रिलैक्स हो जाता है। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फैसल मूवी वाला, आपने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए आज दो हॉलीवुड की सिनेमा के ऊपर, और जो पाकिस्तान की 60 फिल्में इस वक्त तैयार पड़ी हैं, तकरीबन तैयार हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में है, और कुछ बिल्कुल रिलीज होने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है और हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है कि 2022 जो है वो पूरी दुनिया के लिए कोविड फ्री होता चला जाए तेजी से, और हमारा सिनेमा जो है वो भी जो बिल्कुल इस वक्त टेक ऑफ के लिए तैयार है कोविड के बाद वो फिल्में हम देखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। रिबेका और मैं लेंगे अब राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो दो ऐसे पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात करवानी है जो रहते तो बरतानिया में हैं लेकिन बहुत ही दिलचस्प काम करते हैं, और काम है इनका सियासत, और एक बने मेयर, एक बने काउंसलर। तौसीफ साहब और गुंडल साहब से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, और तौसीफ साहब की कहानी तो रिबेका इतने मजे की है, वो मंडी बहाउद्दीन में पैदा हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर्स किया, और उसके बाद एक यंग सा लड़का पहुंच गया यूके। लो जी ऐसी आ गए, अस्सलाम वालेकुम, यूके ऐसी आ गए। नहीं मालूम था कि उसके बाद जिंदगी में उनके लिए माशाल्लाह एक ऐसा मर्तबा लिखा होगा कि वो ईस्ट लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त इलेक्टेड मेयर हैं। कुछ उनकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे, और गोंदल साहब से भी आपको मिलवाएंगे जो कि लंदन के एक सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में काउंसलर है। ये सब कहानी क्या है ये हम अनफोल्ड करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।